पर तंदूरी चाय वाले हैं, और सबसे बड़ी खासियत यह है यहाँ पर सब कुछ हांडी में मनाया जाता है। भाई साहब, तंदूरी चाय तो मिट्टी कुल्हड़ में दी ही जाती है, साथ में हांडी में दाल चावल दिए जाते हैं, हांडी में ही मैगी भी दी जाती है। ऐसी कड़क चाय पीना हो तो रुद्रपुर। ये नीचे से इन्होंने कुल्हड़ उठाया और ये देखते के साथ ही स्वाद आ गया भाई। वाह वाह, क्या बात है भाई साहब, बहुत उम्दा, बढ़िया, जबरदस्त, एक नंबर, एक तरफा, आए है भाई साहब। एक रुद्रपुर में है, स्वाद और जायकों का सफर हमारा रुद्रपुर में जारी है। इस सफर में रोज नया नया जायका, नया नया स्वाद आपके लिए लेकर आते हैं, और आज रुद्रपुर का भाई साहब बहुत ही नया, बहुत ही बेहतरीन स्वाद लेकर आया हूँ। यहाँ पर तंदूरी चाय वाले हैं, और सबसे बड़ी खासियत यह है यहाँ पर सब कुछ हांडी में मनाया जाता है। भाई साहब, तंदूरी चाय तो मिट्टी कुल्हड़ में दी ही जाती है, साथ में हांडी में दाल चावल दिए जाते हैं, हांडी में ही मैगी भी दी जाती है। तो भाई साहब देखिए, यहाँ पर यह है तंदूरी चाय वाले भाई, और यहाँ पर भाई साहब इनकी खासियत क्या है, इनकी खासियत यह है ये शानदार यहाँ पर बन रही है तंदूरी चाय। एक छोटा सा तंदूर यहाँ पर लगा रखा है भाई ने, करीब से देखिए आप, और इस तंदूर में भाई कुल्लड़ डाल देते हैं और उस कुल्लड़ से बनाते हैं तंदूरी चाय। तो भाई से बात करवा देता हूँ आपकी। भाई साहब क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, बढ़िया। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मेरा शिवम। शिवम भाई कैसे हैं? बढ़िया जी सर। क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या लगाते हैं? सर इसमें आपको तंदूरी चाय है कुल्लड़ वाली, बाकी आपको मॉर्निंग में मिलेंगे सुबह दाल चावल। दाल चावल? जी जी, हांडी में। यह हांडी? अरे भाई साहब देखिए, ये हांडी है, हांडी में दाल चावल मिलेंगे यहाँ पर सुबह में मिलेंगे। बाकी फिर अपना हांडी वाला मैगी है। हांडी वाला मैगी मतलब जी, इसमें इस हांडी में मैगी बना के देते हैं जी। क्या आइडिया क्या आया आपके पास कि ये हांडी में हो? सर थोड़ा हमने सोचा नेचुरल चीज़ दें लोगों को, देसी, मतलब देसी खाना पीना। कितना टाइम हो गया आप? सर मेरे को हो गया 1.5 साल। 1.5 साल हो गया यहाँ पर। एड्रेस क्या है? ये डॉक्टर कॉलोनी सिविल लाइन। डॉक्टर कॉलोनी सिविल लाइन, सिविल लाइन में जी। कब से कब तक खोलते हैं आप ये? सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से और रात में 10 बजे तक। अरे वाह भाई साहब। तो कुल्लड़ चाय के रेट क्या होते हैं, मैगी के रेट क्या होते हैं? सर अपनी कुल्लड़ चाय है 20 और मैगी है 40। मैगी है 40 जी जी, बहुत बढ़िया। और दाल चावल 30 रुपए में जी। तो भाई हांडी वाले दाल चावल 30 में है, हांडी वाली मैगी 40 में है, और कुल्लड़ वाली चाय है सिर्फ 20 रुपए की। भाई साहब देखिए मेकिंग, देखिए चाय की, और ये देखिए दूध यहाँ पर इन्होंने डालना शुरू कर दिया है। ये प्योर दूध में लगाते हैं? जी जी। क्या बात है, प्योर दूध, क्या बात है भाई साहब। देखिए ये दूध है बिल्कुल बराबर में, और बिल्कुल प्योर दूध ये यहाँ पर डालते हैं भाई इस कुल्लड़ वाली चाय में। बेहतरीन भाई साहब, बहुत बढ़िया। और ये देखिए नीचे, तो ये जो कुल्लड़ है इसका स्वाद कैसा आता है इसमें? सर इसमें ये देखिए, अगर हम कुल्लड़ में है चाय डालेंगे इसके ऊपर, मतलब देसी स्वाद आता है एकदम, मतलब स्वाद अलग ही आता है। अच्छा, हाँ जी। तंदूर में पकाते हैं आप कुल्लड़ में? ये जो पक रहे हैं ये। अच्छा, जरा देखिए, जरा दिखाइए बना के कैसे करते हैं। आपको कुल्लड़ दिखाना है? जैसे ये कुल्लड़ है, ठीक है, इसी से हम तड़का लगाते हैं, अभी जब चाय बनाएंगे फिर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई का देखिए लाजवाब तरीका है भाई का। अरे वाह वाह भाई साहब, स्वाद आ गया भाई साहब, क्या बात है भाई साहब, देखते के साथ ही स्वाद आ गया भाई। वाह वाह, क्या बात है भाई साहब, बहुत उम्दा, बेहतरीन बेहतरीन। इसमें क्या क्या डालते हैं चाय में? सर बस तुलसी के पत्ते हैं, अदरक है, और बाकी अपने ये पाउडर बनाया है इसका। तुलसी के पत्ते? जी जी, ये लौंग, इलायची, अदरक, वो काली मिर्च, छोटी इलायची, सबका पाउडर बनाया है। अच्छा, एक स्पेशल पाउडर बना दिया आपने। सर्दी में ये बढ़िया रहता है पाउडर? हाँ, बहुत बढ़िया। सर्दियों में सबसे बढ़िया चाय एकदम कड़क, कड़क चाय। क्या बात है, कड़क चाय, शिवम भाई की कड़क चाय, ये बात है एकदम देसी देसी। क्या बात है भाई साहब, इसमें बोलते एक बार बिल्कुल देसी कड़क चाय पीना हो तो? बिल्कुल देसी कड़क चाय पीना हो तो रुद्रपुर, रुद्रपुर कॉलोनी सिविल लाइन, डॉक्टर कॉलोनी सिविल लाइन, तंदूरी चाय वाले। जी जी हैं? जी जी, पक्की बात है। बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या बात है भाई साहब, बेहतरीन। प्यारी पिलाते हैं लोगों को? प्यारी पिलाते हो, यकीन मानना प्यारी पिला रहे हो भाई, भाई साहब ये बिल्कुल प्यारी पिला रहे हैं। ये नीचे से इन्होंने कुल्लड़ उठाया और ये ऐसी कुल्लड़ जो है वो इसमें डाल दिया जाएगा, और अब असली खेल है तंदूरी चाय का। ये देखिए आप, ये असली खेल तंदूरी चाय का भाई साहब, ये देखिए क्या बात है भाई साहब, बेहतरीन भाई साहब, बेहतरीन भाई साहब, जलवा कर दिया भाई साहब। ये जो सूंधी सूंधी खुशबू होती है ना भाई कुल्लड़ की, और वो भी बिल्कुल भट्टी के अंदर, तंदूर के अंदर रखे हुए कुल्लड़ से भाई साहब, गरम कुल्लड़ से, जो
स्वाद बनता है ना गरम कुल्लड़ से, जो स्वाद बनता है ना भाई साहब, अरे अरे गजब स्वाद होता है भाई, सोनी सोनी मिट्टी का स्वाद होता है। और वापस कुल्लड़ इसी में डाल दिया आपने, ऐसी गर्म होता है। दो से तीन बार यूज होता है, बस दो से तीन बार यूज करते हैं जी। बहुत बढ़िया, उसके बाद वो खुद चटक जाता है, टूट जाता है जी। अरे वाह वाह, टूट ही जाता है। बहुत बढ़िया, एक उसमें दो कुल्लड़ यूज करेंगे। अरे भाई साहब ये ऐसी डाल दिया आपने, अरे वाह वाह क्या बात है भाई साहब, अरे हाय क्या बात है, ये देखिए भाई बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बढ़िया। ऐसी कूलर डाल के गर्म कर लेंगे इसको, है जी जी। अरे वाह वाह, कहाँ से सीखा था आपने काम? सर ये सीखा क्या था, मैं यूट्यूब पे ही देखा था। अरे यूट्यूब पे देख के फिर अपना खोल लिया। अरे भाई साहब यूट्यूब पे देखा और फिर अपना खोल लिया, वाह 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 भाई साहब बहुत ही बढ़िया। अरे हाय क्या बात है भाई साहब, बेहतरीन शानदार। अरे वाह वाह, अरे वाह वाह बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। ये तंदूरी चाय रुद्रपुर में भाई साहब हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की मुहिम हमारी जारी है। इस मुहिम में रोज नए नए जायके नए नए स्वाद देते हैं और यहाँ पर भाई साहब तंदूरी चाय, और ये देख लीजिए भाई साहब चाय का टेक्सचर देख लीजिए भाई साहब, जबरदस्त चाय है और बड़ी दिल से भाई ने चाय बनाई है। और भाई बोल रहे हैं कि मोहब्बत बांट रहे हैं, मोहब्बत पिला रहे हैं, चाय नहीं है मोहब्बत है भाई साहब। इसका स्वाद और जायका आप तक पहुँचा दूँ मैं, हाँ 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 भाई साहब उम्दा मसाले जो डाले ना, अलग मसालेदार चाय है, वाह बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई साहब, सुपर चाय भाई साहब। तो भाई कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, स्वाद कैसा होता है? बहुत बढ़िया होता है चाय का यहाँ पर, और लोग दिन में तो अपने काम में होते हैं, शाम को जब छुट्टी से आते हैं अच्छा तो चाय पी के जरूर जाते हैं, थोड़ी थकान कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। स्वाद कैसा होता भाई? बढ़िया एकदम, एक नंबर। मैगी भी, मैगी भी क्या बात है भाई, मैगी बहुत स्वाद होती है, मैगी बहुत स्वाद होती है। तो भाई देखिए यहाँ पर जो है वो दोस्तों का एक अड्डा बनता है, सारे यार दोस्त इकट्ठे होते हैं, है? और फिर बेहतरीन से गपशप करते हैं। इनकी सामने शोरूम है इनका, ये बताएंगे अर्जुन। हाँ भाई साहब सामने शोरूम में आपको ज्यादा पता होगा। हाँ जी हाँ, कैसा अनुभव है चाय का? मतलब ये ऐसा है फार्म वाला फील आता है पूरा यहाँ पे ना। हाँ बढ़िया है, रुद्रपुर में क्या इस जगह है छोटी सी, बढ़िया है इसमें सब आते हैं। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई रुद्रपुर में एक छोटी सी जगह है, फार्म वाला फील आता है, और पीछे लगी हुई तंदूरी चाय, और भाई साहब जबरदस्त स्वाद है। आप लोगों ने ली? हाँ जी मैं तो भाई। अरे आओ चाय चलो। और ये बनाते ही मटकी वगैरह मैगी वगैरह बढ़िया बनाते हैं, मैगी भी बढ़िया बनाते हैं, बहुत बढ़िया। सब बताइएगा कैसी है। हेलो जगदीप राव, ये हमारे भाई हैं, इनका यहाँ पे जो ट्रेंड्स का शोरूम इनका जगह। अरे भाई साहब जग्गा, अरे भाई स्वाद कैसा है? बहुत बढ़िया उम्दा, बढ़िया जबरदस्त, एक नंबर, एक तरफा, एक तरफा। अरे है भाई साहब एक तरफा कर दिया भाई, एक तरफा मामला रे। तो भाई साहब ये जो स्वाद है रुद्रपुर से देश और दुनिया में जाना चाहिए, पंजाब से लेके कनाडा तक जाना चाहिए। ये कनाडा चाय है भाई हमारा, है बिल्कुल जाना चाहिए ना। पक्की बात है भाई साहब। तो भाई स्वाद और जायकों के सफर में आप जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए, अगली वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, जय हिंद।